रुद्रप्रयाग के क्रीड़ा मैदान अगस्त्य मुनि में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 14, 17 और 19 वर्ग की बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में 13 जिलों की 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। रुद्रप्रयाग शिक्षा विभाग की देखरेख में कबड्डी प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में पहली बार रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी के सहयोग से कबड्डी कोर्ट में मैट बिछा करके प्रतियोगिता कराई जा रही है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय अंडर 14 से लेकर के अंडर 19 वर्ग बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का 25 से 27 नवंबर तक 3 दिवसीय आयोजन चल रहा है, जिसमें राज्य के 13 जिलों से आई 32 टीमों के खिलाड़ी खेल रही हैं। मैं जनपद रुद्रप्रयाग से हूँ। अंडर 17 में हमारी टीम यहाँ पर आई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। मेरा मानना ये है कि कबड्डी एक ऐसा खेल है जिससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और हम राज्य स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी खेल सकते हैं। अगर हमारी कबड्डी अच्छी हो तो हम अंतर्राष्ट्रीय तक अपने देश के लिए भी खेल सकते हैं। तो मैं उधम सिंह नगर की खिलाड़ी हूँ और हम लोग यहाँ अंडर 19 के एज ग्रुप में आए हैं। हमारा अभी मैच होने वाला है और यहाँ सबसे बड़ी बात सर कि मैच जो हो रहे हैं मैट पे हो रहे हैं, पहाड़ों में, पहाड़ों जैसी जगह में मैट का होना और इतने बड़े टूर्नामेंट का होना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ का वातावरण, माहौल, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मैट पे मैच हो रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और मैट भी सारे नए हैं, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ के। हम आशा करते हैं कि अगली बार भी मैच हमारा यहीं ऐसी ही जगह पे हो ताकि हमें आगे भी एक्सपीरियंस मिलता रहे। जैसे बहुत बड़ी बात है कि गर्ल्स को इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ये छोटे छोटे स्टेप से ही गर्ल्स आगे बढ़ेंगे। अभी प्रो कबड्डी गर्ल्स की स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से आयोजन हो रहे हैं, बालिकाओं का उत्साह है जिस तरह से, मुझे आशा है कि एक दिन प्रो कबड्डी भी ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी गर्ल्स की। हाँ, ये देखिए हमारे यहाँ जनपद में ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें राज्य स्तरीय क्रीड़ा पर बालिका कबड्डी मिला हुआ है इस साल। पिछले साल हमारे पास राज्य स्तरीय बालक वर्ग कबड्डी था और ये हमने और विधायक रुद्रप्रयाग के द्वारा ये मैडम प्राप्त हुई है, जिसे एक बढ़िया अच्छे ढंग से हम ये प्रतियोगिता को संपादित करवा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये प्रतियोगिता मिल रही है और आगे विश्वास है कि आगे भी मिलती रहेगी। सर, आपका चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें जो ये राज्य स्तरीय कबड्डी जो बालिका वर्ग है, इसमें पूरे 13 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं और इन कबड्डी एक ऐसा खेल है सर कि इससे बच्चे की पूरी शारीरिक जो क्षमता होती है, मानसिक, बौद्धिक जो भी है, सबका विकास होता है। और ये खेल आज की डेट में बहुत प्रचलित हो चुका है। यहाँ पे जो स्तर है बच्चों का, हम बहुत सालों से कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन हम विभिन्न जनपदों में करते आ रहे हैं, विभिन्न जनपदों में हम प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं, लेकिन निरंतर देखने में आ रहा है कि ये स्तर बहुत बढ़ रहा है। विशेषकर हमारे जनपद में कबड्डी में बहुत अच्छे अच्छे छात्र उभर कर, छात्राएँ उभर कर आ रही है जो कि प्रतिभावान है और उनको एक उचित मंच पर आगे बढ़ रहे हैं।